तो गाइस आप खुद सुन सकते हो कि आर्मी कैंप कब होगा और ये मेडिकल भी होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप खुद जो है जो आर्मी ऑफिसर ने जो अपने जुबान से बोली है वो बातें आप सुन सकते हो। तो इसी तरह से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और आप वीडियो को ध्यान से सुनें कि आपको पता चल जाए कि आर्मी कैंप कब होगा और री मेडिकल होगा कि नहीं। तो गाइस चलो आज के हम वीडियो को है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस वही होंगे, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम उडुपी रैली के लिए जो पेंडिंग है अभी तक वो अगस्त का मंथ में नहीं है, तो आगे कौन सी तारीख पे होगा या कौन से महीने में होगा वो हमें अभी तक कोई नॉलेज नहीं है। क्या इस साल में होगा, क्या अगले साल होगा, वो भी नहीं पता है। तो इसका रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ना हमारे पास है, ना हमारे हायर हेडक्वार्टर्स के पास है और ना ही दिल्ली के पास है। जब भी क्लियर होगा आप लोग को अपने आप न्यूज़पेपर्स के थ्रू और ईमेल्स, अपना जो आपने ईमेल आईडीज दिया है उस पर ईमेल आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट रैली रिक्रूटमेंट रैली तब भी हो सकता है जब ये उडुपी रैली खत्म हो जाए। खत्म मतलब कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद मेरिट लिस्ट और उसके बाद जो भी 1,000, 2,000, 3,000 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उसका डिस्पैच, जब ये पूरा कार्रवाई खत्म होता है उसके बाद ही हम नेक्स्ट रैली कर सकते हैं। तो अगला 2-3 महीना में तो नेक्स्ट रैली का होना इम्पॉसिबल है। ओके, तो अब इन तीन चीजों का रिलेटेड आई होप के कोई क्वेश्चन नहीं होगा। जनरल जो आपका क्वेश्चन है वो पूछिए। हेलो जैन सर। हाँ जैन सर, अभी रीमेडिकल होगा सर? रीमेडिकल तभी होगा जब एग्जाम होगा और फाइनली डिस्पैच में आपका नाम आएगा, मतलब कि मेरिट लिस्ट में। रीमेडिकल का जैसे कि लास्ट ईयर भी हुआ था, बिकॉज ऑफ कोविड वो सैंक्शन लिया गया था कि रीमेडिकल नहीं किया गया था, जो भी 6 मंथ्स पार हुआ था उनका नहीं किया गया था। लेकिन क्या वो सैंक्शन इस साल भी मिलेगा और इस साल कितना गैप हो जाएगा? अभी आपका रैली मार्च में खत्म हुआ है, अभी तक ऑलरेडी 5-6 महीना हो गया है, अगले महीने को 6 महीना होगा। हाँ 6 महीना, और अगर एक साल तक जाता है तो चांसेस यही है कि रीमेडिकल होगा। वो डिसीजन ऊपर से आएगा, वो तब भी आएगा जब डिस्पैच शुरू होने वाला है, अभी उसका कोई डिसीजन फिलहाल नहीं आएगा। इसी तरह की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।